मैं इस कॉलेज में कितने सालों से काम कर रहा था, यूं तो आज मैं यहां से हमेशा के लिए जा रहा हूं, लेकिन यहां का जो प्यार इस संस्थान ने मुझे दिया, ये हमेशा मेरे जहन में रहेगा। मैं इस संस्थान को कभी नहीं भूल पाऊंगा। कॉलेज जाकर मुझे तो ताज्जुब हुआ, इतना प्यार करते हैं आपको आपके स्टूडेंट्स। ओहो, हर कोई रो रहा था आपको विदा करके। और आपके स्टाफ का हर सदस्य दुखी थे आपके भाषण के दौरान। मेरे कान में फुसफुसाकर कितनी जनों ने बोला, मुझे तो पता ही नहीं चला। एक ही बात, कॉलेज से रिटायर हुआ तो क्या, हमारे साथ संबंध बनाए रखिएगा। मेरे ख्याल से कॉलेज का हर व्यक्ति आपको श्रद्धा और प्यार करते थे। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, अब वो दिन कभी नहीं आने वाला है। अब आपका आराम ही आराम, सुबह उठते ही कॉलेज जाने की कोई चिंता नहीं है आपको, वो हड़बड़ी भी नहीं। अब आप भरपूर आराम कीजिए और जो मर्जी वही कीजिए। अंजलि, एक काम मन में आया। क्या? मेरा एक बहुत पुराना सपना था, लेकिन समय की कमी के कारण हकीकत में बदल नहीं पाया। अब तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, सोचता हूं वो काम करूं। कौन सा काम? मैं सोच रहा हूं हम लोग वापस गांव चलेंगे, खेतीबाड़ी करेंगे। तुम तो जानती हो पेड़ पौधों से मुझे कितना प्यार है, और वहां पर एक फार्म खोलेंगे। कैसी बात कह रहे हैं आप, एक प्रोफेसर होके आप खेतीबाड़ी करेंगे? देखो अंजलि, अब मैं प्रोफेसर नहीं रहा, सो जो मुझे दिल से पसंद है वो ही काम करूंगा। अब तो बच्चे भी यहां से दूर रहते हैं, कोई चिंता नहीं, अब हम दोनों आराम से गांव जाकर रहेंगे। गांव में रहने की बात सोच भी कैसे लिया आपने? मैं गांव में नहीं रहूंगी, कह देती हूँ। मैंने सोचा नहीं था बीवी की रवैया ऐसी होगी। रुको, कहां जा रहे हो? ऐसे ही थोड़ा बाहर होके आता हूँ। शाम होते ही लोग घर वापस आते हैं, और तुम शाम होते ही निकल जाते हो, आधी रात को घर आते हो, क्या है सब? तो क्या करूँ, घर बैठे खाना पकाते रहूँ क्या? कुछ काम धंधा तो है नहीं,
दिन भर मोबाइल पे व्यस्त रहते हो और जब बोर हो जाते हो चौराहे के सामने सिनेमा हॉल के सामने अड्डा जमाते हो और तू किधर जा रहा है? थोड़ा घूमने के लिए। अरे आपको मैंने कहा था ना दाल लाने के लिए, भूल गए आप? आज के लिए तो हो जाएगा लेकिन कल सुबह के लिए एक दाना भी नहीं बचेगा। कल सुबह होते ही आप लेके आइएगा। ओह, आपसे एक बात पूछनी थी। परसों हरि काका की बेटी की शादी है, क्या गिफ्ट देंगे हम? अरे किस सोच में डूबे हुए हैं आप? घर की शादी है, गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा। चुप भी करो आप। हर वक्त ये चाहिए वो चाहिए, पहले अपने घर को संभालो। मार्ग में किसके शादी में क्या गिफ्ट देना है उसके बारे में सोचना। ये क्या कह रहे हैं आप? लड़की की शादी है, अच्छा सा गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा। दूसरों की लड़की के बारे में सोचना बंद करो, पहले अपने दोनों लड़कों के बारे में सोचो। हर रोज रात को देर से घर आते हैं, माँ हो तुम उन लोगों की, चमन नहीं सकते हो। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। एक बात याद दिलाने के लिए आई। आज 12 तारीख है, 3 महीनों से तुम लोगों ने किराया नहीं दिया, कब दोगे? ऐसे कैसे चलेगा? पता है दीदी, मैंने उन्हें कही भी थी, वो कह रहे थे कि 2-4 दिन में चुका देंगे। देखो जया, हर बार आज दूंगा कल दूंगा कहकर 3 महीने हो गए, ऐसा नहीं चलेगा। यदि किराए नहीं दे सकते हो तो किराए का मकान में नहीं रहना चाहिए। चिंता ना करे दीदी, जल्द ही चुका देंगे। ठीक है, इसी महीने किराया क्लियर कर देना, पूरे 3 महीने का। ठीक है दीदी। हुआ है क्या? सुबह सुबह मुझे बात सुना गई, सुबह की अगरबत्ती जलाने से पहले मुझे बात सुननी पड़ी। ये दोनों दिन ब दिन नीच और कमीने होते जा रहे हैं।
अपने माँ बाप से कैसे व्यवहार करना चाहिए वो भी भूल गए हैं। हेमेन और अनुप सोए हुए हैं। मालकिन आई थी, बकेया किराए को लेकर बात सुना गई। उधार मांगूंगा, नहीं तो इस हालात में 3 महीने का किराया एक साथ देना हमारे लिए नामुमकिन है। ब्याज? ब्याज में क्यों? नहीं तो इतने सारे रुपए कौन देगा? हम धीरे धीरे सुखा देंगे। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात करने के लिए कॉल किया है। हाँ बोलो। आपको तो पता ही पापा, तन्मय कितना व्यस्त रहता है और आजकल मेरा भी ड्यूटी बढ़ गया है। सुबह निकलते ही देर शाम तक रहना पड़ता है। सोच रहा था कि आकाश को आप लोग के साथ ही रखती हूँ, अभी तो आप भी घर पर ही रहते हो और उसे हम लोग भी समय नहीं दे पाते, जो एक अच्छी बात नहीं है। अच्छी विचार है। आप लोग के साथ रहकर ही विल एंजॉय एंड फील गुड, और हम तो हॉलीडे पर घर जाते ही रहेंगे। अच्छी बात है, और काफी दिनों से आकाश को देखा भी नहीं। लेकिन बेटा एक बात बताओ, तुमने ये बात क्या तन्मय के साथ डिस्कस किया है? हाँ पापा, हम लोग की परिस्थिति ही ऐसी है, क्या करें, कोई उपाय भी नहीं है। पहली बार बेटे से दूर रहने के बाद सुनकर बहुत दुख हुआ था, लेकिन आप बात को समझ गई है। तो एक काम करना, आकाश को लेकर कब आ रही हो मुझे बता देना। ऐसे लोगों को किराए का मकान नहीं देना चाहिए। किराए देने की क्षमता नहीं है तो किराए के मकान में रहते ही क्यों? वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। मैं ही हर बार बोल बोल के मेरी जुबान गंदा करता हूँ खड़ी खोटी सुना के। क्या करूं, थक गई हूं मैं। अंजलि, बढ़िया से एक कप चाय पिलाना। यही तो बना रही हूँ। अरे आज सुबह सुबह आकाश में बादल क्यों? क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या? आप कैसे कैसे लोगों को किराए पे मकान देते हैं, 3-3 महीने तक किराए नहीं देता। आज सुबह जाकर ठीक से सुना के आई हूँ मैं, थोड़ा भी शर्म होगा ना, आज किराया देकर जाएगा देखिएगा। लीजिए। फोन पे किसके साथ बात किया? स्नेहा बेटी के साथ। कह रही थी आकाश को यहीं पर रखेगी। रात को मैंने बात किया था, अच्छा ही होगा, वो रहने से घर भी भरा भरा रहेगा। बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब।
देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। मुझे 200 रुपया चाहिए। क्यों? अरे पैसे नहीं चाहिए क्या लोगों को? मेरे पास नहीं है, देवता से पूछ लेना। देवता घर पर नहीं है? है, थोड़ा बाहर गए हैं, आने से मांग लेना। कैसी माँ हो तुम? ओ नहीं नहीं नहीं, कैसी बीबी हो तुम? 200 रुपया भी हाथ में नहीं रहता। इतने बड़े हो गए हो, शर्म नहीं आती अपनी माँ से ऐसी बातें करते हुए, पैसे मांगते हुए? तो फिर मैं किससे मांगू? किसी और की माँ को? बदतमीज होते जा रहे हो दिन ब दिन, जा बाहर जाकर इनकम की जरिया ढूंढ। वाह, आज ऐसे कह रहे हो जैसे आप लोगों ने मुझे पढ़ा लिखा कर कोई डॉक्टर या इंजीनियर बना कर रखे हो। खोजते ही नौकरी मिल जाएंगी मुझे। क्या पढ़ाया आप लोगों ने हमें? कोई व्यथा नहीं है हमें मांगते ही नौकरी देने के लिए? बातों की धनी, सिर्फ 200 रुपया मांगा था मैंने, और आजकल 200 रुपया में मिलता है क्या है? यदि इतना भी नहीं दे सकते हो तो हमें पैदा ही क्यों किया था आप लोगों ने? अरे जादव। हाँ भैया। पूरे साथ है क्या? बहुत दिनों से उसको दिखा ही नहीं, कुछ काम था। उससे पैसे मिलने वाले थे मुझको। ठीक है, अभी चलता हूँ। ठीक है। अच्छा सर, आप अभी अभी रिटायर हुए हैं और हमने आपको फिर से बिजी करा दिया, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? हाँ सर, मैं भी वही पूछने वाला था। देखो, एक शिक्षक हमेशा शिक्षक ही रहता है। मैं भी सोच रहा था, पिछले 35 सालों से मैंने पढ़ाया, अब घर पर बिना काम के कैसे बैठूंगा। लेकिन अच्छा हुआ तुम लोग के साथ काम करने का अवसर मिल रहा है। पहले पैसे मिलते थे, अब सही मायने में ज्ञान बांटेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, ये रूम वगैरह के किराया कहाँ से आएगा? सर पहले तो हम घर से ही किराया चुकाएंगे। हाँ सर। और बाद में अच्छा काम होने के बाद स्पॉन्सरशिप तो मिल ही जाएंगे। अच्छी बात है, मुझे मेरे पुराने स्टूडेंट्स के ऊपर गर्व हो रहा है। अब देखो, मैं तो एक अभी पेंशनर हूँ, मुझसे जितना हो सकेगा उतना आर्थिक मदद मैं करूँगा। और मैं सोचता हूँ कि शनिवार और रविवार को मेरे क्लासेस रहेंगे। जी सर। तो हम लोग शनिवार को मिलेंगे? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। थैंक यू। शर्मदा से पैसे लाए? नहीं, नहीं मिला। इस बार शर्मदा के पास भी पैसा नहीं है। अब क्या होगा? मालकिन से हम क्या कहेंगे? अगर ये बात सुनेगी वो तो हमें और चार बातें सुनाएगी। एक काम करती हूँ, उनके आने से पहले मैं ही मालकिन से मिलकर आती हूँ
और कहती हूँ इस बार के लिए हमें और थोड़ी समय दे दे। जया, थक चुका हूँ मैं। छोटी मोटी आमदनी से शहर में चार जन का परिवार चलना आसान नहीं है। जब से इस शहर में आया हूँ यही संग्राम चल रहा है मेरा। बेटों को ठीक तरह से पढ़ा नहीं पाया। जया, हम लोग एक व्यस्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं शहर में। कितनी कम उम्र में ब्याह करके लाए थे तुम्हें। सोचा था शहर में बहुत सारी सुख सुविधाएं होंगे, यही सोचकर मैंने तुम लोगों को यहां लाया था। लेकिन क्या हुआ, दोनों बेटों को बुनियादी सुख सुविधाएं तो दूर की बात, ठंकी संस्कार देने में भी हम लोग नाकाम रहे। ठिकार है हमारी जीवन। अरे जय, आओ आओ। क्या बात है, दीदी घर पर नहीं है क्या? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बाजार गई है, कह रहे थे कुछ मनिहारी सामान लाना है। सर, मतलब हम समय पर किराया नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए, हम जल्द ही चुका देंगे। ठीक है, एक काम करना, परेश को भेज देना, मुझे उससे कुछ बातें करनी है। ठीक है, मैं भेज दूंगी, आती हूँ। बहुत दिनों से जो कहना चाह रहा था आज कह डालूंगा। एक बार के लिए छोड़ भी दो अंजलि, वैसे भी वो लोग गांव चले जाएंगे और बहुत तकलीफ में दिन गुजार रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में किराया मांग कर दुख क्यों दूं? रिटायर्ड होकर घर में दो दिन क्या बैठ गए? आपका तो दिमाग ही खराब हो गया। मुझे नहीं जाना है गाँव। जाना ही पड़ेगा, देवता ने सब तय कर लिया है। पागल हो गए हैं वो, बुढ़ापा आ गया है ना, इसलिए इस उम्र में अनाप शनाप बक रहा है वो। हेमंत, समझ के भी हम समझ न पाए, वो हजारों सपने इस धरती पर, खोजने चल पड़े हम उन्हीं को कहीं, इर्द गिर्द के जमीन में झांक कर देखा ही नहीं। गांव है मेरी दुआ, गाँव ही मेरी इब्तिदा, गाँव ही में मेरा जन्नत है, गाँव है।